बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सब फैंस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी हैं अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं मेकअप व्लॉग बनाने लगी हूँ बहुत अरसे के बाद, बिकॉज बहुत सारी मेरी बहनों ने बहुत दफ़ा मुझे कहा कि प्लीज़ मेकअप व्लॉग बनाएं, प्लीज़ मेकअप व्लॉग बनाएं। एक मैंने अभी इंस्टा पे एक पोस्ट डाली थी अपनी, तो उसमें मुझे सबने कहा कि आपने क्या लगाया हुआ है, ये कैसे लुक की है, ज़रूर बताएं। सो आई थॉट कि क्विक जो मैं समर में अगर मेकअप करूँ, ऐसे तो मैं करती कम हूँ, लेकिन जब मैं करती हूँ तो वो क्विक जो मैं लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। कुछ हमेशा पूछते हैं कि चीज़ें बताएं, चीज़ें बताएं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में मुझे लिखना नहीं आता, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी आती, थंबनेल और ये चीज़ें, मैं इतनी फैंसी हूँ नहीं। और मेरा आई जस्ट कनेक्ट विद यू गाइज, यू नो, मुझे ना तो पैसे चाहिए ना मैं इससे पैसे ले रही हूँ ये यूट्यूब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मतलब मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे व्यूअर्स की भी लालच नहीं है। मुझे बस ये होता है कि हाँ जब आप प्यार से कहते हैं तो मैं बना देती हूँ, इसलिए जैसा भी है देसी सादा सा मेरा व्लॉग उसको आप लाइक कर लिया करें और बर्दाश्त कर लिया करें। तो चले आपको दिखाती हूँ मेकअप क्या यूज़ कर रहे हैं हम। तो आज जो मेकअप में बेसिक मेरी डे लुक में जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं क्विकली यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये है जी इरेज़र है, ये मेबलाइन का, ठीक है, ये कंसीलर है। और नंबर आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक, उप्स, स्किन टाइप के मुताबिक आप जो आपको पसंद हो आप ले लें। स्टूडियो फिक्स इज़ माई फेवरेट मैक का, विच आई कॉन्ट लिव विदाउट। इसका नंबर है NC35। मेरी स्किन पे थोड़ा मैं डार्कर टोन लेती हूँ, लोग वाइट लेते हैं, मैं, मुझे थोड़ा डार्क अच्छा लगता है, बिकॉज डार्क में आपका मुंह थोड़ा पतला लगता है। फिर हम ये सफोरा का ब्राउन्ज़र है जी, ये हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है 60 नंबर है इसका, ठीक है। और उसके बाद ब्लश ऑन रेगी है, ठहरे, ओके, मैक का ये ब्लश हम यूज़ करेंगे। ये देखिए बेचारे का कलर ही चला गया, पिंक सा है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद आई शेडो जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये है मैक का, इसका भी कलर ख़राब हो गया, बट इट्स लाइक अ हेज़ल ब्राउन। अगर आपको कलर थोड़ा सा हल्का सा शाइन आती है, लुक्स वेरी नाइस, वेरी नेचुरल एज वेल। और फिर एंड पे जो है हम इसके साथ मैं लाइनर, ये लाइनर लगाऊंगी जी इसके साथ। जी सबने मुझे पूछा था काजल, ये बॉडी शॉप का मैंने एक्चुअली ये पेंसिल है, ये बड़ी अच्छी रहती है, ये मैंने लिया था मैट काजल, ये आप ले सकते हैं, वो लगाऊँगी। उसके साथ मस्कारा मैक का है, लैश वॉल्यूम के लिए, दिस इज़ द ब्रश व्हिच आई यूज़ फॉर ब्लश ऑन, ठीक है जी। इससे हम कंटूर करेंगे इस वाले ब्रश से। और ये है हाइलाइटर का, और ये है जी ब्राउन, ये आपकी आईब्रोज़ को करने के लिए, ठीक है जी। और हाइलाइटर एंड पे थोड़ा सा हाइलाइटर का टच देना ज़रूरी है, जिससे अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपके चेहरे पे बहुत नूर है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, नूर तो अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन हल्की सी शाइन जो है वो इससे आती है, ठीक है जी, सॉफ्ट एंड जेंटल, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। तो अब आगे दिखाती हूँ आपको, ओके जी, कमिंग बैक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बड़ी अच्छी टिप, मेरे बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं अबू बकर, जिन्होंने अभी अपना सैलून खोला है कराची से, मेरा सारे मॉर्निंग शो का मेकअप वही करते थे हम टीवी पे जब मैं करती थी, और बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, मेरी मूवी का भी उन्होंने मेकअप किया है। तो उन्होंने मुझे एक अच्छी टिप ये दी थी कि बिफोर यू अप्लाई मेकअप, तो वो लोग होते हैं ना कि मॉइस्चराइज़र लगा लिया और वो पोर्स बंद करने के लिए लगा लिए, तो कोशिश करें वो ना लगाएं, बिकॉज हमारे आजकल स्पेशली गर्मियों में और ये ह्यूमिड वाला मौसम ऐसा है, जब आपने ऐसी चीज़ भी लगाई होती तो बेस जो है वो टिकती नहीं है। अच्छा, मैं तो खैर इतनी बेस लगा नहीं रही, बिकॉज ये हम बेसिक मेकअप का कर रहे हैं, हल्के हल्के जहाँ पर आपको लगता है मेरे मुँह पर, क्योंकि पिम्पल्स के बहुत से खड्डे भी हैं क्योंकि मैं जब ऑब्वियसली छोटी थी तो मैं ये करती थी कि छोटी थी मतलब यंग थी, अभी भी यंग हूँ, लेकिन मतलब लड़प्पन में मैं ये क्या करती थी कि मैं इसको देखिए आप ब्लेंड कर लीजिए, मैं पोक करती थी अपने पिंपल्स, पिंपल्स बहुत आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, शूटिंग्स भी होती थी, काम भी होता था, तो मैं पोक करती थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कितने खड्डे बन जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की ट्रीटमेंट करने की, फिर मैंने कहा अब क्या कराना है, बस ऐसे ही है, पास करो वरना बर्दाश्त करो, ठीक है जी। ये देखिए मैंने कंसीलर हल्का सा लगा लिया, और उसके बाद स्टूडियो फिक्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप किसी भी मैक की शॉप पे जाके, वैसे पाकिस्तान में भी आपको किसी, जैसे अलफते पे मिल जाता है, बड़ी शॉप पे मिल जाएगा, तो किसी भी मैक की शॉप पे जाके आप अपने मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ना डार्कर टोन लेती हूँ, अगर आप ये देखें
तो मेरा नोज़ी आपको, और वैसे मैं कॉम्प्लेक्शन वाइट लग रहा होगा, पर ये मैं थोड़ा लगाऊंगी तो आपको डार्क लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्वियसली स्क्रीन की तो आदत है ही ना कि स्क्रीन पे हम डार्क करते थे। डार्क डार्क थोड़ा करने से, आई नो सबको यहाँ पे गोरा होने का बड़ा शौक है, लेकिन डार्क थोड़ा करने से आपका जो है ना मुंह जो है वो पतला लगता है। सो दैट्स अ टिप। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जी मैं कि रेगुलर रहूँ, बिकॉज़ आई रियली वांट टू कनेक्ट विद यू गाइस। और मैं चाहती हूँ कि हम एक तो वेट लॉस का जो है जर्नी वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। मुझे एक दो बहनें पूछ रही थी हम क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ, तो वो भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आई ट्राई टू मेक मोर व्लॉग्स जैसे मुझे टाइम मिले, और साथ साथ व्लॉग्स भी बनाऊँ। वैसे तो मैंने वो हिजाब कर लेती हूँ तो नेक तो इतनी नज़र नहीं आएगी। ठीक है जी, ये आपने कर लिया यहाँ पे। ये देखें, अब ये, अब आप देखें स्मूथ, अब ये लग भी नहीं रहा, ये नो मेक लुक टाइप लग रही है आपको। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको ब्रश बताया था, दिस इज़ द मैजिक ब्रश कंटूरिंग के लिए, मेरा बड़ा फेवरेट ब्रश है, मेरा बड़ा पुराना ब्रश है ये, नेकेड का था, और ये मैंने बड़े आई थिंक 4-5 साल तो हो गए इस ब्रश को मेरे पास। एक मेरे पास ब्रश था मेरा पुराना, मैं क्या लगा दिया, एक मेरा ब्रश था मुझे याद है, पता नहीं गुम हो गया टूट गया इतना, वो ब्लेंडिंग ना आईलाइनर ब्लेंडिंग ब्रश था, वो मेरा ब्रश था जी, बॉडी शॉप का ब्रश था, और मुझे याद है कि वो 20 साल पुराना ब्रश था, और मेरी ना मेरा मेकअप नहीं होता था उसके बगैर। अब ये देखें जी, हमने हल्का सा नोज़ कंट्रोल कर लिया। अच्छा, क्योंकि हम डे मेकअप कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा मेकअप ना लगे, इसलिए हम सॉफ्ट कंट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ से आपने ऐसे किया, हल्का सा आपने ये कर लिया, फिर आपकी जॉ लाइन पे ठीक हो गया जी, और फिर ये थोड़ा पाउट करके। मैं पुराने वाले तरीके से मेकअप करती हूँ, मेरा मेरा मुझे नए तरीके नहीं आते, मैं पुरानी हूँ। वो जो नए हैक आ गए हैं जी, अच्छा मज़े की बात है कि वो हैक अगर आप देखें, कान इधर से पकड़ूँ या इधर से पकड़ूँ या इधर से पकड़ूँ, मतलब वो तो ना इस तरह से पकड़ूँ, बात तो एक ही है। सो मैंने नए हैक्स जो मैं देखती हूँ कि ऐसे लगा लें बेस ऐसे लगा लें, वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लगता रिजल्ट वही आता है, तो क्यों ना वही पुराना वही करें। मेरी बहन फारिया भी क्यूट है, वो उसको बड़ा ज़बरदस्त शौक भी है मेकअप का, वो नए नए ट्रेंड ट्राई करती रहती है, वो मुझे कहती तुम्हारे तुम्हें पता ही नहीं कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं कहती हूँ यार मेरा बेसिक मुझे पता है ना कि मैंने कैसे करना था, मैं कर रही हूँ वैसे ही चलने दो। आई थिंक ये बुढ़ापे की निशानी है। अच्छा जी, ये हो गया, ये आपने आई शेडो लगा लिया। ये देखिए, मैं आपको पता है मैं ये आई शेडो बेस वाला जो होता है ना वो मैं स्पेशली फिंगर से ही लगाती हूँ। ये मैक का आई शेडो है, सिंगल आई शेडो। ये देखें, मैं लगा के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ठीक है, देखिए अब कितना नेचुरल लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि लगा हुआ है, और आपकी आँख भी बन जाएगी थोड़ी सी, खूबसूरत भी लगेगा। काश ही मेकअप मैं रोज़ किया करूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं होती रोज़। कोई आया है जी, मेरी छोटी सी बेटी आई है, पारी सी शहरबानो, एंड शी लव्स मेकअप, उसको इतना पसंद है मेकअप जी। शहरबानो, अगर मैं आपके साथ मिस करूंगी तो मैं से आपके साथ खेलूंगी। ओ क्या आप मुझे मिस कर रही हो? मैं ओ देखो कितनी प्यारी है मेकअप सारा, एक ये ब्रश। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं एक व्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए ये मैंने लगा लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह का ब्रश बहुत ज़रूरी है। अपना आईब्रोज मेरी तो ये देखें, मैं मुझे बार बार लोग कहते हैं आप आईब्रोज बनाती हैं, ये आप ज़रा करीब से देख लें, ये देख लें आप, ये माशाल्लाह ये मर्दों वाले इतने बड़े बड़े बाल। मैंने तकरीबन देखिए 5 साल से मैंने बिल्कुल वीडियो कह रही हूँ आईब्रोज नहीं बनवाई, जब से मैंने मुझे ये पता चला है। हाँ लेकिन मैं ये देखे ना मेकअप मैं ऐसे कर लेती हूँ जैसे लगता है कि बनी हुई है, तो जब से मुझे पता चला उस हदीस के बारे में कि आईब्रोज नहीं बनवानी, तब से मैंने ही बनाई। और इतना मुझे सवाल होते हैं ना, मैं जब कोई पिक्चर लगाती हूँ मुझे सब कहते हैं आपने ये देखिए, मैं कंटूरिंग वाले ही शेड से इसको थोड़ा सा भर रही हूँ, अब सब मुझसे सवाल करते हैं आपने आईब्रोज बनवाई हैं, आप आईब्रोज बनाती हैं, आप आईब्रोज बनाती हैं, तो ये आपको मैंने इतने करीब से दिखा दिया कि मैं आईब्रोज नहीं बनाती। So, mama, so... चलो भागो भागो यहाँ से, नहीं चलो जाए ना आप, वेर इज फातिमा, शी टीचर, टीचर आ गई है। हाँ। तो आपने नहीं पढ़ना? नहीं। पढ़ लो, नहीं। आप भी पढ़ लो, नहीं। प्लीज ना। So guys, mama is my makeup. So so guys, mama is doing my makeup. अच्छा जी, अच्छा जी, ये अब मैं लाइन, ये देखिए काजल लगा रही हूँ काजल। अच्छा ये आपको दिखाई देती हूँ, ऐसे भर के लगाती हूँ मैं काजल।
अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं लेंजेस लगाए हुए हैं आजकल, मैंने कभी कभी व्लॉग में, तो ये जी मुझे कोई लेंजेस लगाने का शौक नहीं है। आप अचानक सोचा कि बहुत ही ये फैशन अब पट्टी बन रही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे सिर्फ लेंजेस मैं इसलिए लगाती हूँ कि मैं वो ऐनक पहन पहन के थक गई हूँ, मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो वो ग्लासेस पहन पहन के ना मुझे ना दर्द शुरू हो जाती है। सो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दोज ग्लासेस, और मैं सोच रही हूँ बल्कि कि वो मुझे ज़रा डर लगता है, वो जो आजकल वो लेज़र से आप अपनी ठीक करा सकते हैं। अगर किसी ने आपने बल्कि अपनी आई से ठीक कराई हो लेज़र से, तो मुझे बताएं क्या हो जाती है ठीक, क्या मुझे करानी चाहिए, बिकॉज़ मुझे डर बहुत लगता है वो, कि पता नहीं आँख ख़राब ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो मैं वो नहीं कराती। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने लाइनर लगा लिया है, और ये थोड़ा सा यहाँ से निकाल दिया मैंने। इससे लगता है क्या है कि लगता है जैसे आपकी आँख थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि मेरी बड़ी आँखें नहीं है, मेरी छोटी छोटी सी आँखें हैं, छोटी 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 और मोटी मोटी नहीं है। ठीक है जी, ये देखें, अब मैंने ये लगा के इसको, अब मैं ये इसी से, ये देखें, ये है एक जादू का ब्लेंडिंग ब्रश। यस, एंड वी आर गोइंग टू ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। पिंक कलर है। व्हाट कलर इज योर फेवरेट कलर मानो? यू लाइक रेड लिपस्टिक? शी वेयर्स रेड लिपस्टिक एवरी ऑलमोस्ट एवरी डे, व्हेनेवर वी गोइंग आउट, तो एक ही होता है कि मुझे रेड लिपस्टिक लगाएं। और फिर इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लिपस्टिक लगाती है, और मुझे इतना मेकअप छुपाना पड़ा, मेरा सारा मेकअप ही दोनों बहनें जो है ना वो ख़त्म कर गई हैं। तो सफल सक्सेस ये ब्लश और ये हाँ, सारा, तो आप समझ सकती हैं ना। हाँ, ये तो जुदेल जुदेल ऐसे कर रहे हैं। मैं चुड़ैल हूँ? नहीं, अबे ये जुदेल ऐसे मेकअप कर। ये हो गया ब्लेंडिंग, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? फाइनल हम करेंगे फन, फन करेंगे हम। हाँ, अच्छा, मैं फन। मस्कारा बाद में लगाऊंगी, आई वॉन्ट टू पुट माई लिपस्टिक ऑन। लिपस्टिक भी सब मुझसे पूछते हैं, ये देखिए मैक का है ये कलर जो मुझे सूट करता है, उसकी लिप पेंसिल है ये, आपका जो भी शेप है बना लें। बड़ी मुझे वीडियोस में आप लोगों के कमेंट आते हैं, तुमने बोटॉक्स करा ली है, तुमने लिप्स करा ली, मैंने कुछ भी नहीं कराया। मैं ये मम्मा, करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ ऐसे, थोड़े से लिप्स बना लेती हूँ। ऐसे ये लिपस्टिक है, पान लेशे। हाँ, अच्छा, आप मुझे पानी ला के दे सकती हैं? आप पानी ला के दे सकती हैं मुझे? पानी पानी जी, पानी पीना है मुझे। थैंक यू जानी, थैंक यू। अच्छा, ये जी मैक की ये लिपस्टिक है, इसकी बड़ी बड़े सब ने पूछा है मुझे कौन सी लिपस्टिक है। अच्छा जी, इसका कलर है सल्ट्रीनेस पाउडर केस लिपस्टिक है ये, 30, मुझे लेंस लगा के करीब से 304 नंबर इसका। थैंक यू जानी, दैट्स सो स्वीट, अल्लाह ताला आप नसीब अच्छे करे। देखो कितनी प्यारी आपकी लिपस्टिक, अच्छी है। मैं आपके मेकअप करती हूँ दोबारा से। क्या करोगी? आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी है, देखो कितनी प्यारी हो आप, कितनी प्यारी हो। मुझे भी लिपस्टिक लगाओ, अभी लगाती हूँ, 2 मिनट दे दोगे? मैं वीडियो बना के आपकी लिपस्टिक लगाऊंगी, प्रॉमिस। फाइन। अच्छा जी, ये हो गया, लिपस्टिक हो गई हमारी, और हम फाइनल टच हम बाद में देंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, मस्कारा टाइम। लग जाए मोबाइल में? नहीं लगेगा, देखो सो क्यूट मामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वैसे मैं 30 क्लोज स्ट्रोक्स की कायल हूँ, लेकिन ये बहुत थिक मस्कार है, तो ये ना वो हो जाता है। आपको इतनी मज़े की बात बताती हूँ, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको शायद नहीं बताओ, कि मुझे आई लैशेज लगाने नहीं आती। मैंने आई लैशेज कभी ख़ुद से नहीं लगाई, और मैं जब मूवीज़ में भी करती थी तो मैं आई लैशेज नहीं लगाती थी, और मुझे लगानी नहीं आती। मुझे शौक बड़ा है कि कभी कभी मैं आई लैशेज लगाया करूँ, लेकिन मुझे लगानी नहीं आती, अजीब सी हो जाती है, इधर उधर स्टिक हो जाती ये है। मेकअप ये देखिए, ठीक है जी, डन डन। अच्छा रुक जाइए, अभी हमने ब्लश नहीं लगाई, वो मैं कह रही हूँ कुछ कमी सी है। ठीक हो गया जी, मौसम बड़ा अच्छा बन रहा है बाहर। ओके जी, ब्लश टाइम। ओके, मैं भी आपके लगाती हूँ। तो ब्लश मुझे, ओए ओए नहीं भाई, आप नहीं लगाओ। ये देखिए इनको कितना शौक है। एक मेरे मम्मा से मेकअप कर सकते हैं दोस्त 5 से 8, तो मेरा मम्मा बहुत अच्छी है। गंदी है, अच्छी है, अच्छी है, तो मैं मम्मा से मेकअप, ये वाली से है, और ये मम्मा मैं आपके मेकअप। कितना फ्रेश कलर है ये,
सच अ ब्यूटीफुल कलर. आई डोंट नो, मुझे तो मैक के मेकअप जो है, मैं कोई और ब्रांड नहीं चेंज कर सकती. आई एम वेरी लॉयल टू माई ब्रांड. आई वोट माय मामा. ये फाइनल हमने ये इस पे वो लगा लिया. फाइनलिंग मामा के मेकअप. ओप्स, माय गॉड, तबाह हो रहा है मेरा मेकअप. नहीं जानू मामा, मैं आपकी मेकअप करी हूं ना. आई नो बट डोंट डू दिस ना. ओके नो ना माय मेकअप. खराब हो जाएगा. ओके ये मैंने इस पे लगा दिया, आप ये लगा लो. ओके जी, मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा रही हूं. माइन से मेकअप. सो दिस इज अ लुक. और ये देख लें आप, नेचुरल एंड नाइस. आई डोंट वांट टू शो हर. और मेरी बारी मेकअप की. हाँ आपकी बारी मेकअप की. ठीक है जी, तो ये मेरी मेकअप लुक है जो मैंने आपके लिए कर दी है. और आपने मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है कि अगर आप लोगों ने लेज़र किसी ने आई साइट का कराई है तो उसका क्या रिजल्ट है. सो आई कैन गो फॉर इट. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखें. जिंदगी तो फिर बात होगी, मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.